subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड और अभी मैं सारी पैकिंग मेरी सारी हो गई है और यहाँ से मैं थोड़ी देर बाद निकलता हूँ और देखते हैं बाहर अभी शायद थोड़ी बारिश हो रही है, फिर रास्ते में मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो आज काफ़ी बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी काफ़ी है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ ISBT के लिए। तो वहाँ से फिर मैं अपना जो बस पकड़ूँगा ऋषिकेश की। अब बस नहीं, डायरेक्ट बस नहीं मिली तो वहाँ से देवप्रयाग से फिर आगे जाके कोई दूसरा रूट लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं ISBT की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक ऋषिकेश की लगी हुई है, ऋषिकेश की बस मिली है, ऋषिकेश जा रहा हूँ ना, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून की बसें काफ़ी हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी यात्रा का सीजन है तो टाइम तो वैसे इतना नहीं है, क्योंकि सारा पूरा आज बारिश हो रही है, सबसे यहाँ से सारा खाली है पूरा। अभी मैं ऋषिकेश के बस में बैठ गया हूँ। तो दोस्तों, अभी हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी बारिश हो रही है, तो यहाँ से निकलते हैं बस पकड़ के। डायरेक्ट बस नहीं मिल रही कोई, आगे चेंज करते हैं सारी। और अभी हमने क्रॉस किया है तोता घाटी, तो आगे चलते हैं। अभी मैं हिंडोला खाल पहुंच गए हैं, हिंडोला खाल से हमने अपनी एक और कायर से निकल चुके हैं आगे। तो आगे हम निकल चुके हैं, थोड़ा आगे जाके 2-3 किलोमीटर के आसपास ये ऑफ रोडिंग है, उसके बाद हम तो गाड़ी तो हमने पीछे पार्क कर दी थी और हम आगे निकल चुके हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा फॉरेस्ट और जो देवदार के जंगल है वहाँ से होते हुए ये ट्रैक जा रहा है और अभी हम आगे निकलते हैं। इस जगह मंदिर है, पहुँचने वाले हैं, ये भी है। तो दोस्तों, मैं अपने मंदिर पहुंच चुका हूं। ये पीछे हमारा मंदिर है जो कि घंडाल देवता को समर्पित है। घंडाल देवता बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल भी माने जाते हैं। और ये सारा एरिया है मंदिर का, और फिर यहां से राइट में हिंडोला खाल मार्केट पड़ती है और लेफ्ट साइड में आपकी मंदाकिनी रिवर जो है वह रही है। और राइट साइड में बिल्कुल निकलेंगे तो यहां से आपको चंद्रबुद्धनी पीक भी दिखाई देती है। तो जो हमारा मंदिर में जो पूजा होती है हर ऑल्टरनेट ईयर में होती है, तो ये हमारी जो है जात 24 मई रात को निकलती है और पूरी रात भर यहाँ पे जागरण होता है और 25 को भी पूरे दिन भर जागरण होता है। और फिर इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस अभी थोड़ी देर बाद गांव से पूरी जात आने वाली है, फिर आपसे मैं आप मिलता हूँ। देख लिया ऑन वेल कर ले भाई। हां हां ओए प्रणाम, और क्या ले? बढ़िया बढ़िया।
Oh,
तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ जो कि वार्ता होती है बबरीक, उनकी वार्ता होगी, पंच पांडव हैं उनकी वार्ता होगी, सौपुत्र कौरव उनकी वार्ता है और रणभूत उनकी वार्ता है। तो इस अगले एपिसोड में आप ये सारी वार्ता और उनका आयोजन देखेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों का शेयर करें।